हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, तो मुझे अभी घर का आंगन को साफ सफाई करना है। यहाँ पे देखो, पूरा तेज बारिश होगा जैसा लग रहा है। पूरा चारों तरफ काला 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 बादल काला काला है गैस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मुझे घर का आंगन को साफ सफाई करना है, क्योंकि बहुत देर तक मैंने साफ नहीं किया था, तो बारिश भी हो सकता है, इसीलिए मैं साफ सफाई करूँगी। क्योंकि बारिश देने से ना और गंदा दिखेगा। जो मैंने कल ये साफ किया था, घास वगैरह ही साफ किया था, मैं तो भूलती हूँ घास फूस, तो बारिश देने से ना जिंदा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी साफ कर देती हूँ। अभी तक मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया है, क्योंकि बस सो के उठने के बाद थोड़ा बैठ के वो योगा नहीं करते हैं, वो योगा ही किया था, और उसका बाद फिर वीडियो बनाने के लिए आ गया है। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर ब्रश वगैरह करूँगी और बर्तन वगैरह भी साफ कर लूँगी। सबसे पहले तो ये झाड़ू कर देते हैं हम। तो गैस, अभी बाज़ार में जाने के लिए पूरा रेडी हो गया। मैंने सुबह बाल को भी धो लिया है, यहाँ पे मैंने झाड़ू सब कुछ लगा लिया है। तो हम दोनों अभी जाएंगे। पापा तो सुबह उन दोनों ही चला गया है, बस हम दोनों ही बाकी है। तो अभी झोला लेके आता है, मैंने झोला को वॉश करने के लिए रख दिया था। जहाँ से हम लोग पानी लेके आते हैं वहाँ पे है हम लोग का झोला, मैंने कल ही साफ करके रख दिया था, क्योंकि सब्जी वगैरह लेके आया था ना, जो सब्जी ख़राब हो गया था तो उसमें चिपक गया था, तो इसलिए मैंने वॉश कर दिया है। तो वहाँ से देखते हैं क्या क्या लेके आता है। कुछ सब्जी वगैरह तो होगा ही, थोड़ा जंगली सब्जी खाने के लिए मन कर रहा है इसलिए। और गैस, यहाँ पर ना पूरा सुबह 4 बजे ही बाज़ार में चले जाते हैं, और हम लोग थोड़ा देर करके ही जाते हैं, क्योंकि सुबह नहीं जाने से ना सब्जी वगैरह इतना नहीं मिलता है, और जो जंगली सब्जी होता है ना, तो सब लोगों को खाने के लिए मन करता है, तो सब लोग ले लेते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, इसीलिए जल्दी जाना पड़ता है बाज़ार में। बारिश दे रहा है क्या? शायद एक दो बूंदी गिरा होगा, तो मुझे साता लेना पड़ेगा। एक दो बूंद गिर रहा है तो साता ले लेते हैं अभी। तो हम लोग बाज़ार में पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा लोकल सब्जी, उधर देखते हैं हम, क्योंकि अक्सर उधर मशरूम वगैरह लेके आते हैं। मम्मी पापा को मिल गया है और एक बैट ले रहे हैं। और यहाँ से मैं लेके जाऊंगी कुछ फ्रूट वगैरह, 200 ये 200 ये 200, और वो इतना महंगा है वो। अच्छा वाला दे देना। इतना ज्यादा गर्म लग रहा है गैस, तो हम लोग अभी घर पे पहुंच गया है, क्योंकि बारिश होने वाला है, इसलिए डर के मारे जल्दी ही भाग गए हम लोग। तो मैं कुछ सब्जी वगैरह लेके आया हूँ, तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए। वहाँ पे मैंने इतना वीडियो शूट भी नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो रहा था, एक दो बूंद गिर रहा था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब्जी वगैरह ले लिया है। इतना गर्म लग रहा है, बाहर में ही थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पानी है इसमें भी। और गैस देखो, मेरा तरबूज का जो साग है ना, यहाँ पे तरबूज लग रहा है, छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पे फूल भी निकल के आया है। ये तो नहीं लगेगा शायद तरबूज, बस एक ही लगेगा, और इसमें भी निकल सकता है। बहुत दिन हो गया हम लोग बैट का सब्जी नहीं खा रहे हैं, तो मैं बैट लेके आई। दो बैट कितना, 50 रुपीज़, इतना महंगा है। और यहाँ पर बाट केला पता नहीं कौन रख के गया, शायद पिछले देखे गया होगा। यहाँ पे देखो, ये बैट इतना लंबा बैट है ना गाइस। और यहाँ पे मैंने बेम्बो सूट लेके आया है, लाल वाला जंगल वाला ये है ये। और ना मैं लेके आती हूँ, ये एक का 10 रुपया है, बस 10 रुपये रह गया था मेरा जेब में, तो इसलिए बस एक ही लेके आया है। मम्मी पापा तो चले आता, नहीं तो उन लोगों से मांग के मैं ले लेता। यहाँ पे ये साग लेके आया, बैतूल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम लोग इसको बोलते हैं नारद साग। और मैं ये अनार लेके आई हूँ, 4 तो है, आधा किलो कितना, 270, हाँ 270 है। और यहाँ पे ये देखिए, सूखा मछली,
ये ना टमाटर का चटनी खाने के लिए लेके आई हूँ मैं। और मेरा पति देव ने देखो क्या ले लिया, उसका फेवरेट वाला जाल ले लिया है। इतना दिन हो गया, हम लोग बोदल में भी नहीं गया था, उसी दिन से बोला जाल जाल जाल, तो आज फाइनली ये लेके आया जाल। पता नहीं कितने में लिया है ये। और यहाँ पे लेके आया है बैंगन, जो काला वाला बैंगन होता है ना वो 10 रुपये में दे रहा था, और ये वाला लेके आया 20 का ही लेके आया है क्योंकि ये वाला अच्छा लगता है मुझे खाने में, इसलिए मैं ये वाला ही लेके आया हूँ 20 का। चाहे तो रहा 10 रुपये महंगा हो तो कोई बात नहीं, तो फिर भी हम लेके आया है, 1 किलो ही लेके आया। और यहाँ पे ये बनाना फ्लावर देखो ये कितने 40 का है। हम लोग आजकल जंगल नहीं घूम रहे हैं ना, तो इसीलिए पूरा खरीद के खाना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग जंगल से ही लेके आते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने मछली, ये भी जो हम लोग को खाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला। और बेतुल के लिए लेके आए हो सीधो, ये सीधल खाता है, कभी कभी खाता है, रोज़ नहीं खाता है, कभी कभी खा लेता है ये, लेकिन मैं इतना खा नहीं पाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे देखो ये लेके आई मैं झींगा पत्ता, और जो ये छोटा छोटा बैंगन है ना, ये छोटा छोटा बैंगन और ये मैं झींगा पत्ता साथ मिला के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। साथ में ये डालेंगे ये वाला मछली, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा गैस। और कुछ लेके आई थी मैं ये ओमावेदर, ये लेके आई थी, तो मैं आज अलग से बनाऊंगी बेम्बो सूट, वो बेम्बो में बनाऊंगी। वाह, बेम्बो में बनाने के खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गैस, तो बहुत दिन हो गया हम लोग ऐसे करके नहीं खा रहे, तो आज मैं बना के खाऊंगी। देखो गैस बारिश देना स्टार्ट हो चुका है, बाइक पूरा भीग रहा है, ये ना अंदर में भी लेके नहीं गया, बाइक को नहीं रखा है, बाहर में ही रख दिया है, पूरा भीग भीग के देखो बेचारा बाइक को, देखो बारिश दे रहा है। अभी अभी मैंने जो वहाँ पर लेके आया था वो काट के लेके आया, पूरा भीग गया, बाल भी भीग गया मेरा, ये भी भीग गया, तो कोई बात नहीं, तो अभी खाना वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पे बेम्बू काट के रख दिया है मेरा छोटा भाई ने, पता नहीं मैं कैसे बनाऊँगी क्योंकि बाहर में तो बारिश हो रहा है और प्लस वो लकड़ी भी नहीं है, और किचन होता तो कितना मज़ा आता ना। सबसे पहले तो मैंने इसको बॉयल किया है, 4-5 मिनट तो मैंने बॉयल करके रख दिया है, उसके बाद ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज दे दिया है और मसाला मिर्ची नमक हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिया है, और वो सरसों का तेल भी डाल दिया है, बस अच्छी तरह से मिक्स करना बाकी है। और गैस यहाँ पे डाल दिया है ओमावेदर, तो आप लोग अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे है ओमावेदर, तो अभी मम्मी का घर पे ही ये जाएगा क्योंकि यही लेके जाएगा, हम लोग का तो किचन नहीं है, आग जला नहीं सकते, वैसे भी बाहर में बारिश हो रहा है, तो इसलिए मम्मी का घर पे ही लेके जाएगा। तो अलग का सब्जी बनाऊंगी, बैंगन का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी दे दिया है, और ये जो जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं सब मिक्स करके हम लोग इसको बोलते हैं तावा, तो तावा यहाँ पे दे दिया है, तो नमक हल्दी सॉरी नमक मिर्ची और ये ड्राई फिश दे दिया है। यहाँ पे देखो बैगन को मैंने पीछे का साइड का काट लिया है, जो जितना छोटा छोटा है वो रख दिया है, तो थोड़ी देर में इसको मैं कटिंग करूँगी, मिर्चा पट्टा का साथ बनाएंगे गाइस। एक ने कमेंट करके बोला है कि एक ही सब्जी को रोज़ रोज़ खाते हो बोर नहीं होते हो, हम लोग बोर नहीं होते गाइस, और ऑर्गेनिक वाला सब्जी खाते हैं तो बोर नहीं होते हैं, चिकन मटन ये सब खा खा के थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन ये वाला सब्जी खाने के बाद कुछ भी वो नहीं होता है, चिकन खाने से तो थोड़ा वो भी ख़राब हो जाता है तबीयत, ऐसे कुछ मीट वगैरह खाने से ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं बॉयल सब्जी, इसमें कोई तबीयत वगैरह ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये खाते हैं। इसमें इतना तेल मसाला भी नहीं खाते, ज़्यादा तेल मसाला खाने से भी थोड़ा पेट खराब हो जाता है, कभी गैस वगैरह बन जाता है, लेकिन ये सब्जी खाने से गैस वगैरह नहीं बनता, इसलिए हम लोग रोज़ रोज़ खाते हैं, बोर नहीं होते गैस हम लोग। बैगन यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ी देर में मैं मिर्चा पत्ता भी डाल दूँगी, थोड़ा देर तक पकाऊँगी, उसके बाद मिर्चा पत्ता इसमें डाल दूँगी। अभी खाना बनाकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पे ये बेम्बो में जो
उमा बिदर बनाया था, ये भी रेडी होकर लेके आया है। इतना सारा कपड़ा धुलाया मैंने भी खाना बना के, पूरा बहुत ही सारा है कपड़ा, और भी धुलाना बाकी है। ये ना मेरा पति देव पहनेगा, उसका थोड़ी देर में उतारेगा, फिर रखेगा, फिर पहनेगा, फिर रखेगा, ऐसे करते करते पूरा जमा हो गया। मेरा भी शाम का टाइम में भी नहाती हूँ मैं, ऐसे करके रख देती हूँ और धुलाती भी नहीं हूँ। और जब तक कपड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक मैं धुलाती हूँ मैं, और ज़्यादा होने के बाद ही धुलाती हूँ। पूरा थक गया है और खाना खा के और धुलाने के लिए जाना है, क्योंकि अभी तो बारिश भी रुक गया है, बहुत सारा धूप निकल के आ चुका है। वगैरह खा लिया है, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्टी गैस जो उमा बेदर बनाया था ना शोर का मिक्स, वो इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ है। मेमो में जो बनाते हैं ना बना के, आप लोग एक बार खा के देखिए, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है गैस, उसका स्वाद अलग ही होता है पूरा। जिसे फ्राई हर चीज़ में खा नहीं सकते हैं ना, लेकिन ये सब मेमो में बनाने से इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया है, मन नहीं था, शाम का टाइम में ही खा लूँगी, मैंने खुद के लिए थोड़ा सा रख दिया है। और देखो इतना धूप है, बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, इतना ज़्यादा बारिश दिया था, अचानक बारिश रुकने के बाद फिर धूप दे रहा है, देखो खतरनाक वाला धूप दे रहा है, बाहर निकलने के लिए मन नहीं कर रहा है मुझे। तो मैं भी अभी अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं सो गए थे, खाना खाते पूरा तुरंत सो गए, इतना ज़्यादा नींद लगा था। तो अभी मुँह वॉश करके तो वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो गाइस, इतना खतरनाक वाला धूप दे रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और वहाँ पे दादू आ रहा है हम लोग का घर पे, देखो इतना ज़्यादा धूप है, गर्मी भी बहुत तेज है। और गाइस हम लोग जब बाजार में गया था तब ये लेके आया था, देखो इतना छोटा छोटा है, यहाँ पे ना कितना 270 ऐसा है, बहुत महंगा है। बस आधा किलो ही लेके आया था, क्योंकि मेरा तो शरीर पूरा थकान थकान लगता है, इसलिए मैं ये खाने से ना थोड़ा ताकत आ जाता है जैसा लगता है मुझे। ये लो इसको साफ करिए, थोड़ा ख़राब हो रहा है ना जल्दी जल्दी, तो इसका जूस पियेंगे, जूस दोनों दो रख देते हैं, दो खा लेते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मीठा है ये। हो जाएगा ज़्यादा पानी, इसमें ना कुछ चीनी वगैरह नहीं मिलाते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही पी लेती हूँ, खुर्रक हो जाएगा। एक ही बेम्बो सूट लेके आया है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, उसका परमानेंट वाला बनाऊंगी मैं बेम्बो सूट। तो इसका छिलका अभी निकालते हैं, सबसे पहले बहुत ही ज़रा गलती किया, ज़्यादा पैसा लेके जाना चाहे, लेकिन मोबाइल में था गाइस पैसा, ऑनलाइन नहीं चलता इसलिए ले नहीं पाया। आइसक्रीम बना रहा है, पट 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 कर रहा है। इससे होगा क्या? ना ना नहीं होगा ना, इससे नहीं होगा। मैं आज ये बड़ा वाला चाकू से काट रही हूँ, क्योंकि तो दूसरा वाला से हम लोग काटते हैं, बस एक ही इसलिए इससे कर रही हूँ, एकदम पतला पतला करके काट रही हूँ। देखो गैस मैंने काट लिया है, जो ये होता है ना इसको हम लोग बचरी आगा बोलता है, आगा बोलते हैं, तो मैं
बस ये चार पीस क्या है ऐसे करके ही रखूँगी, देखो काला निकल गया पूरा काला काला करके। इसलिए मैं जो बाज़ार में बाज़ार में बिकता है ना बनाते हैं, इसलिए नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि गंदा वंदा भी हो सकता है, खुद का बनाया हुआ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी अच्छे से वॉश करना है, फिर इसमें डालेंगे बोयम में। देखो गैस वॉश करने के बाद इतना ज़्यादा क्लीन हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है, तो ये पता नहीं हो पाएगा नहीं, लंबा हो गया है तो चपटा करना पड़ेगा। हाँ इस तरह से मैं अंदर में डालूंगी अभी। अभी हो चुका है मेरा पार्ट पेनेंटेड बेम्बू सूट बना के, पूरा देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही इसको एक हफ्ते तक रख दूंगी, जितना पुराना हो जाता है ना उतना ज़्यादा यह पुराना होने से अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ऐसे ही बस एक ही है डिब्बा, और जंगल में जाने से और लेके आएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक दो दो तोड़ के खाऊंगी। अमरूद अमरूद बोलते हैं ना, हाँ गुहावा भी बोलता है। और यहाँ पे सांप बगरा है, जो ब्लैक वाला सांप होता है ना, कल भी देखा था चाची ने, तो पेड़ का ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से मैं चढ़ूंगा उधर। बच्चे का शायद मैं जितना भी था ना सब खा के ख़त्म, बस ऊपर का हिस्सा ही है। तो अभी चढ़ते हैं पेड़ का ऊपर में। देखो गाइस पेड़ का ऊपर मैं चढ़ गई हूँ, मैं यहाँ पे चढ़ने के बाद फायदा हुआ है, पक्का पक्का वाला मिल रहा है, तो नीचे गिरा देते। बहुत दिनों के बाद मैं पेड़ में चढ़ी हूँ, तो पूरा मेरा जो शरीर है ना पूरा हिल रहा है, डर लग रहा है जी। हाँ बहुत महीना हो गया मैं पेड़ में नहीं चढ़ रही हूँ, तो इसीलिए पूरा पैर हिल रहा है। फिर यहाँ पे देखा है एक दो तो ज़्यादा पकने से ना चिड़िया लोग खा जाते हैं, इतना पका वाला भी अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा कच्चा थोड़ा पका वो सब अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा तोड़ लिया है तो अभी वॉश कर लेती हूँ। पूरा रात हो चुका है यहाँ पे, देखिए दोस्तों पूरा अंधेरा अंधेरा है, बस दोनों आज घर पे ये और हम दोनों है। मेरा पति जब तो गया है फिशिंग करने के लिए, मछली मारने के लिए, चाचू और दोनों चला गया है। काफी गर्म लग रहा है, तो अभी खाना वगैरह बना लूंगी मैं, बाप रे पसीना पसीना आ रहा है गाइस। यही वीडियो मेरा कल ही आएगा, क्योंकि आज तो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो लाइट भी नहीं है और नेटवर्क भी पूरा स्लो है। हम लोग का जो वाईफाई लगाया था ना, लाइट नहीं रहने से ना वो भी वाईफाई चला जाता है, इसलिए आज अपलोड हो नहीं पाएगा शायद। तो अभी खाना वगैरह बना लेते हैं। देखो ये भी पहुंच गई है बिचोली, इतना ज्यादा पसीना निकल गया इसका, देखो दौड़ दौड़ के आ गया, बोल रहा है। नुंदू भी आ रही है क्या? नहीं आ रही है वो, और यहाँ पे मेरा बहन भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा बहन आ रही है। बात केरला और एक केरला, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी, केरला भी बात केरला भी। हम लोग इसको ना बोलते हैं वो हंगरा गुलो बोलते हैं हम लोग। पूरा पेड़ में चढ़ने के बाद देखो पूरा पसीना निकल रहा है। चढ़ गया पेड़ में? हाँ हम चढ़ गया। चटनी बनाना ये? चटनी नहीं बनाएंगे, वो काला नमक होता है ना उसका साथ ही खाऊंगी। बनाते बनाते मेरा पति जब घर पे पहुंच गया है, और इसको देखो इतना भरा भरा मछली मिला है, चाचू आधा लेके गया है आधा यहाँ पे छोड़ के गया है, क्योंकि हम लोग भी खाएंगे ना इसलिए। ये कौन सा वाला मछली है पता नहीं सर, साइनिस वाला होगा। हाँ तो ये भी साफ करना है। यहाँ पे देखो नुकल नुकल मछली गाइस। तो खाना बनाते बनाते पसीना निकल गया, वो जो बात करेला बनाया था वो तो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं ये साग बनाऊंगी, और भी साफ करना है, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे उमा बेदर मैंने सुबह थोड़ा बॉईल करके ही इस तरह करके रख दिया था, तो ये भी बनाऊंगी। नहीं गैस कब ग्रीन हो जाएगा, या ग्रीन होने से ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, पता नहीं आज मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लाइट तो आ चुका है लेकिन ग्रीन नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा पसीना निकल गया है। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे और भी खाना वगैरह बनाना है,
और आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आप लोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने के लिए पैसा बिक गया है मेरा। देखो फिशिंग करने गया था ना, घर पे रख के जाना चाहिए था। 300 रुपीज बिक गया, कोई बात नहीं सूख जाएगा वो। तो बाय बाय।